दोस्तों आज जो है तो हम देखेंगे कि बहुत सारे जो नए बिगिनर्स रहते हैं तो गाड़ी को जो है तो जब आप लॉन्ग रूट पे गाड़ी चलाते हैं और स्पीडिंग में तो वो कुछ इस तरीके से ड्राइविंग करते हैं, यू एक हाथ से स्टेयरिंग पकड़ेंगे और एक हाथ उनका जो है तो फ्री रहता है, तो ये जो है तो बहुत रिस्की हो जाता है। अगर आप और स्पीडिंग में गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी का अगर टायर बस्ट होता है या टायर फटता है तो जो है तो उसमें आपकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे आपको जो है तो गाड़ी पे कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप दूसरा हाथ जो है तो जल्दी से स्टेयरिंग को पकड़ सके। तो उसके लिए जो है तो आपके इजी सॉल्यूशन ये है कि आप जो है तो 3 और 9 की पोजीशन में जो है तो स्टेयरिंग को पकड़िए और उस तरीके से ड्राइविंग कीजिए, या 2 और 10 का पोजीशन में गाड़ी का स्टेयरिंग पकड़िए और जो है तो ड्राइव करिए। और अगर जैसे ही आगे अगर आप ग्रामीण एरिया में जाते हो या आगे कोई सिटी लगता है तो आपको जो है तो गाड़ी जो है तो वहाँ पे स्लो करनी होती है। अगर आप रास्ते से भले ही 100, 90, 80 की स्पीड में भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, लेकिन जब जैसे सिटी का एरिया लगता है आगे तो आपको जो है तो गाड़ी की स्पीड जो है तो 30 या 40 की करनी है, जो भी उसके हिसाब से। तो इस तरीके से आप जो है तो गाड़ी को सेफली ड्राइव भी कर सकते हो। और जो आपने देखा कि स्टेयरिंग व्हील्स को व्हील को कैसे पकड़ना चाहिए, तो उसका जो है तो बेस्ट ये है कि 3 और 9 का जो पोजीशन है इसका, ये सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।